मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास डॉक्टर एमपी शर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी देवास डॉक्टर अश्विन दुबे के निर्देशानुसार ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कर्नल डॉक्टर लोकेश मीणा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र गोदना ग्राम सिंगौड़ी में ब्लॉक कन्नौर मलेरिया निरीक्षक धूम सिंह बघेल, सेक्टर सुपरवाइजर देवचंद खत्री के साथ पहुंचे और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बैठक ली। प्रचार प्रसार हेतु ग्राम में रैली निकाली और जानकारी दी कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, तथा आप प्रति सप्ताह बर्तनों और कूलरों में गमलों का पानी बदलें, शाम को प्रतिदिन नीम की पत्तियों का धुआं करें, मच्छरदानी का उपयोग करें, बुखार आने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर निःशुल्क जाँच कराएँ। गर्मियों के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए बिना किसी काम के धूप में ना निकलें, विशेषकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाए। मैदानी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि आप घरों में जाकर लार्वा फीवर सर्वे करें। इस अवसर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कल्पना पाटिल, ANM रेखा सोलंकी, आशा सहयोगी सावित्री अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कृष्णाबाई राजावत, ममता पैठारी, आशा कार्यकर्ता सिंधु नायक, दिलीप नायक, रहमान कुरुशी सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। आज सर आपने किस विषय पे यहाँ पर सिंगोड़ी का दौरा किया है? प्रतिवर्ष के अनुसार प्रतिवर्ष 16 मई वो मतलब डेंगू दिवस मनाया जाता है, तो उसी कार्यक्रम में अंतर्गत घर घर जाकर मतलब जो लार्वा वगैरह पानी की टंकी वगैरह देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और ये हमारे ब्लॉक के कर्मचारी जो भी फील्ड वाले आशा ANM MPW आशा सुपरवाइजर CHO टोटल प्रचार प्रसार करके ग्रामीण जन को प्रचार प्रसार करके बीमारी के बारे में जानकारी देते हैं। काठापहुड़ से सुमेश शर्मा की रिपोर्ट।